नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 24 न्यूज में। कटनी जिले की बहोरीबंद विधानसभा में अनिल सिंह से आज बातचीत कर उनकी प्राथमिकताओं के संबंध में चर्चा की। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनिल सिंह ने बताया कि यहां के दोनों प्रमुख दलों ने हमेशा क्षेत्र के बाहर के लोगों को उम्मीदवार बनाया है, जिससे यहाँ की समस्याओं से इनका कोई सरोकार नहीं रहता। पीड़ित जनता इनको वोट देने के बाद 5 साल तक भटकती रहती है। यहाँ से जीतकर लोग विधायक व मंत्री बने, लेकिन बहोरीबंद में आज भी पानी की समस्या से लेकर लोग परेशान हैं। देखिए पूरी खबर IBN 24 न्यूज के लिए कटनी से संजय खरे के साथ। लोगों में रुझान है क्या? जी जी बिल्कुल, हर व्यक्ति चाह रहा है कि क्षेत्रीय के आधार पे हम इस बार वोट करेंगे, क्षेत्रीय विधायक को जिताएंगे, क्योंकि अभी तक ये होता रहा है कि भाजपा ने हमेशा जो बहोरी विधानसभा से बाहर का प्रत्याशी दिया है और कांग्रेस ने भी हमेशा दिया है। 1970 से लेके आज तक की वर्तमान स्थिति में हम देखें तो 1970 के समय पे एक ही बार जो भेड़ा से विष्णु कुमार जी को कांग्रेस ने टिकट दी थी, उसके पहले और बाद में हमेशा वहां पे बाहरी प्रत्याशी रहा है जो वहां की जन समस्याओं से हमेशा अनभिज्ञ रहा है। इसलिए वहां पे कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, चाहे वो भाजपा के समय में रहा हो जो पिछले 15 साल से सरकार है, और अभी कांग्रेस की भी 60 साल तक सरकार है, वहाँ पे 55 साल तक सरकार रही, वो 60 साल से विधायक है। हमारे बहोरीबंद पठार क्षेत्र पानी की गंभीर समस्या जो लगभग 50 साल से है, 50 साल में ना उस समस्या को सॉल्व कांग्रेस सरकार कर पाई है और ना भाजपा सरकार कर पाई है। दोनों जो है जनता से जुड़े मुद्दों पे काम करना नहीं चाहती, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है और कुछ भी इनको जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। क्षेत्र विकास के लिए आपको क्या प्राथमिकता रहेगी? क्षेत्र की विकास के लिए हमारा जो है, हमने हर क्षेत्र में अपना काम किया, हर क्षेत्र में अपना एक घोषणा पत्र तैयार किया है। जैसे हमने अभी बताया पानी की समस्या है, हम पठार क्षेत्र की पानी की समस्या को बहुत जल्द, जैसे ही हमारी सरकार बनती है या हमारा विधायक बनता है, वैसे तो हम सरकार 100% बना रहे हैं और बना के रहेंगे, पूर्ण बहुमत के साथ बनाएंगे। सबसे पहले हमारा जो कार्य होगा पानी की समस्या को वहाँ से दूर करना। कॉलेज जो है वहाँ पे पूर्ण कॉलेज की मांग होती रही है पर हो नहीं पाया, उसके लिए मैं भी भूख हड़ताल में 3 दिन बैठा, तो कॉलेज हम बनाएंगे, उसको पूर्ण कॉलेज करेंगे जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमराई है वहाँ पे एक्सरे मशीन है, सोनोग्राफी मशीन है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े उनको हम चालू करेंगे और मोहल्ला क्लिनिक टच पे दिल्ली जैसे हम वहाँ पे इलाज उपलब्ध कराएंगे ताकि लोगों को घर बैठे इलाज हो। बेरोजगार साथियों के लिए हम वहाँ पे रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, हर तहसील स्तर पर कौशल विकास केंद्र खोल के उनको ट्रेनिंग देंगे और 100% प्लेसमेंट देंगे। और चूंकि हमारा कृषि आधारित क्षेत्र है, वहाँ कृषि आधारित उद्योग लगाकर भी उद्योग लगा के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। कि आम आदमी पार्टी हर निचले घर तक पहुंच रही है, घर घर डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से हर व्यक्ति जोड़ने का काम कर रही है। रही बात बीजेपी प्रत्याशी प्रणय पांडे जी की, तो बहोरीबंद और रीठी की जनता ने उपचुनाव में उन्हें इस बात से उनकी हैसियत का एहसास दिला दिया है कि वो कितने लोग क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। उनको एक जहां सारा मंत्रिमंडल सारे लोग लगे हुए थे, उसके बाद भी वो चुनाव नहीं निकालता, वो सिंपैथी में भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। और आज बहोरीबंद में उनके टिकट वितरण के बाद भाजपा में खुद इतना अंतर्कलह हो रहा है कि वो खुद ही भाजपा को हराने के लिए तुले हुए हैं। चाहे अभी कुछ समय पहले अपनी इस वेदना को दिलीप दुबे जी ने भी प्रकट की हुई है, दिनेश गुप्ता जी ने भी प्रकट की हुई, और ऐसे कई भाजपा के जो दावेदार थे टिकट के लिए वो अपनी इस वेदना को प्रकट कर चुके हैं। आपकी मुख्य लड़ाई में होंगे सौरभ सिंह? जी हाँ, सौरभ सिंह जी हमारी लड़ाई है और सौरभ सिंह जी की भी लोकप्रियता उतनी नहीं रही है। वो जो उपचुनाव था, उपचुनाव का समीकरण कुछ और था, इस कारण से वो चुनाव जीत पाए क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2 प्रत्याशी थे और लोगों का आक्रोश था कि हमें भाजपा को हराना है, इसलिए सौरभ सिंह को जिताया। और आज सोचने का विषय है कि सौरभ सिंह जी 4 साल से विधायक हैं और 4 साल से विधायक होने के बाद अभी आज मैंने फॉर्म देखा, मतलब जानकारी मुझे लगी, वो अपना अभिकर्ता जो एक इलेक्शन का एजेंट होता है, वो इलेक्शन एजेंट अपने बोरी विधानसभा से एक व्यक्ति को इकट्ठा नहीं कर पाए। हम कैसे मान सकते कि उनकी लोकप्रियता है? अगर इनकी लोकप्रियता होती तो निश्चित तौर से उनका जो मुख्य अभिकर्ता था वो बहोरीबंद क्षेत्र से होता। ये उसका स्पष्ट प्रमाण है कि वो अपना अभिकर्ता तक बहोरीबंद विधानसभा से नहीं जुटा पा रहे हैं, वो कैसे लोगों से जुड़ सकते हैं? और उन्हें बहोरीबंद की जनता पे विश्वास नहीं है। अगर बहोरीबंद की जनता पे विश्वास होता तो निश्चित तौर से वो अपना अभिकर्ता बहोरीबंद से चुनते, लेकिन उन्होंने ऐसा न चुन के स्पष्ट प्रमाण दे दिया है और अपनी मानसिकता को स्पष्ट कर दिया कि वो बहोरीबंद की जनता को बहुत ज्यादा नहीं चाहते, सिर्फ अपनी राजनीतिक दृष्टिकोण से अपनी राजनीति